दो दशक पहले बिहार के अंडरवर्ल्ड में अशोक महतो गैंग का चलता था सिक्का। खौफ से कांपता था पूरा बिहार। कौन था अशोक महतो जो लगभग 23 साल पहले जुर्म की दुनिया का था बेताज बादशाह। दो दशक पहले बिहार में आए दिन गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी। खौफ का दूसरा नाम था पिंटू महतो। इस खूंखार गैंगस्टर पर बन चुकी है खाकी नाम की वेब सीरीज। आज से करीब 23 साल पहले एक ऐसा दौर था जब बिहार मर्डर, डकैती, अपहरण जैसी वारदात के लिए कुख्यात था। हर दिन सुर्खियों में बनी रहने वाली खबरों में कोई न कोई खबर बिहार से जुड़ी रहती थी। बिहार में आए दिन लूट, हत्या, डकैती जैसी घटनाएं आम बात हो गई थी। आज हम आपको एक ऐसे गैंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज से करीब दो दशक पहले ये गैंग इतना कुख्यात था कि लोग इसका नाम तक नहीं लेते थे, और इस गैंग का मुखिया था अशोक महतो। बिहार के शेखपुरा इलाके में इस गैंग का सिक्का चलता था। शेखपुरा इलाके में किसी भी समय गोली चलने थी। एक समय था जब बिहार में शेखपुरा के आसपास के इलाकों में गोलियों की आवाज का सुनाई देना आम बात हो गई थी। अंधेरा घिरने के बाद लोग घर से निकलने से भी घबराते थे। बिहार के शेखपुरा, नवादा और आसपास के इलाकों में भी जातीय वर्चस्व की लड़ाई की खबरें अक्सर सुनने को मिल जाती थी। इस लड़ाई में कई अधिकारी, व्यवसायियों और यहां तक कि पूर्व सांसद राजू सिंह तक की हत्या कर दी गई थी। पिंटू महतो महतो गैंग का सबसे खतरनाक और शातिर गैंगस्टर था। उस समय अशोक महतो गैंग बिहार पर राज किया करता था। पिंटू महतो ने दिन दहाड़े कांग्रेस के सांसद राजो सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया था। सिर्फ सांसद राजो सिंह ही नहीं बल्कि एक वीडियो की भी हत्या कर दी गई थी। लोगों के दिलों में इस गैंग का खौफ इस कदर था कि लोग अशोक महतो के खिलाफ जाने की हिम्मत तक नहीं करते थे। दरअसल इस इलाके में उस दौर में दो गैंग सक्रिय थे, एक अशोक महतो गैंग जिसे पिछड़ी जातियों का गैंग कहा जाता था, और दूसरा अगड़ी जातियों की यानी कि भूमिहारों का गैंग था। इन दोनों गैंग के बीच आए दिन गैंग वार होता रहता था। उस वक्त गैंगस्टर पिंटू महतो पर 30 मर्डर और अपहरण के केस थे। साल 2002 में वो अपने साथियों के साथ नवादा का जेल तोड़कर भी फरार हो चुका था। उस पर जेल तोड़ने से पहले साथियों संग मिलकर दो पुलिस वालों को भी मौत के घाट उतारने का इल्जाम लगा था। बात 26 दिसंबर 2001 की है। बिहार में शेखपुरा और बरबीघा के बीच एक छोटा सा पुल है जिसे टाटी पुल के नाम से जाना जाता है। इसी पुल पर आरजेडी के करीबी लोगों के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। टाटी हत्याकांड में शेखपुरा जिले के तत्कालीन आरजेडी अध्यक्ष काशीनाथ यादव के अलावा अनिल महतो, अबोध कुमार, सिकंदर यादव और विपिन कुमार सहित 8 लोग मारे गए थे। कहा जाता है कि टाटी पुल नरसंहार से ही शेखपुरा में गैंग वॉर की शुरुआत हुई थी। उसके बाद यहां कई और हत्याएं हुई। खौफनाक गैंगस्टर पिंटू महतो पर एक वेब सीरीज बन चुकी है जिसमें उसके खूंखार व्यक्तित्व को दिखाया गया। अशोक महतो पर बने इस वेब सीरीज का नाम खाकी है जिसे पिछले साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। इस वेब सीरीज में अशोक महतो गैंग के खूंखार व्यक्तित्व को दर्शाया गया है, लेकिन इस पूरी वेब सीरीज में एक नेक और बहादुर पुलिस वाले की भी कहानी है। इसलिए फिल्म में दिखाया गया कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मौत का खेल जारी रहा। तभी आईपीएस अमित लोढ़ा की पोस्टिंग शेखपुरा में हुई। गैंग वॉर के दौरान जब अमित लोढ़ा वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी जान पर खेलकर न सिर्फ कानून व्यवस्था मेंटेन की बल्कि नरसंहार करने वाले महतो गैंग के कई अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से इलाके में क्राइम कम होने लगा था।